केंद्र सरकार की ओर से सुभाष चंद्र बोस की प्रदर्शनी लगाकर 3 वैन चलाई जा रही है, जो पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा हरियाणा के अंबाला पहुंची, जिसमें साथ आए युवा वर्ग ने कहा कि यह यात्रा लेह लद्दाख से शुरू हुई थी और कहा कि इस यात्रा के माध्यम से नेता सुभाष चंद्र बोस की जीवन शैली से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सर, मेरा नाम विनोद सुतार है। नेताजी सुभाष बोस एनी ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये उपक्रम चलाया जा रहा है। मैं भी सुभाष, जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसे 3 वैन हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जर्नी की शुरुआत हमने लेह लद्दाख से की थी। लेह लद्दाख से हम जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर से हम हिमाचल प्रदेश गए, हिमाचल प्रदेश से हम उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से पंजाब, और हम अभी हरियाणा में हैं। हरियाणा में हम अंबाला सिटी में हैं, जो कि हमारा पहला सिटी है आज का। हम यहाँ से आगे जाएंगे यमुनानगर, यमुनानगर से हम यमुनानगर होते करनाल, करनाल से पानीपत से सोनीपत से गुरुग्राम जाएंगे। सर, हमारा प्रमुख यही उद्देश्य है कि नेताजी के जो कार्य और उद्दिष्ट है वो लोगों से अवगत कराना। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। नेताजी का जन्म 1887 में हुआ था और वो हमारे देश के क्रांतिकारी थे और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे, जो हम लोग मतलब उनका ये सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट प्रदर्शनी है और सबको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि युवा नेता थे हमारे, क्योंकि उनकी जो मौत थी वो भी रहस्यमय थी मौत, तो उनकी भी मौत के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो आई थिंक युवा को भी पता नहीं है कि उनका देहांत कैसे हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई।